नमस्ते सभी को। हम इस अभ्यास दो के स्टेप चार की चर्चा को जारी रखते हैं। तो अभ्यास दो में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में पहले स्टेप में हमने स्वयं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग देखने का अभ्यास किया। दिखता है कि मुझे अपने होने का पता अपनी क्रियाओं से चलता है, शरीर का होने का पता शरीर से मिल रही संवेदनाओं से चलता है, और मेरा होना और शरीर का होना ये दो अलग अलग बात है। इस चीज को हम लोग बारीकी से अपने आप में देखने का अभ्यास करते रहे, और इसको और ज्यादा पुष्टि मिल रही है जब हम आगे के स्टेप्स पे काम कर रहे हैं। स्टेप टू में हमने मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया, तो पता चलता है कि मेरे और शरीर के बीच में सिर्फ सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं। तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ जो सूचना है, शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, ये संवेदनाएं भी जो मुझे मिल रही हैं सूचना है, और ऐसा ही मेरे और शरीर के बीच में हो रहा है, बार बार हो रहा है, परंतु आवश्यकता अनुसार। जितनी संवेदनाओं को पढ़ने की मुझे आवश्यकता लगती है उतना मैं पढ़ता हूँ, जितना शरीर को संकेत देने की आवश्यकता लगती है उतना मैं देता हूँ। स्टेप थ्री में हम ये ऑब्जर्व करते रहे कि जो संकेत देना है या संकेत लेना है, यानी संवेदना को पढ़ना है, सूचना को लेना है, इसमें निर्णय किसका है। तो दिखता है कि निर्णय मेरा है, मैं ही अपने निर्णय के आधार पर शरीर को संकेत देता हूं, मैं ही अपने निर्णय के आधार पर संवेदना को पढ़ता हूं। ठीक है, इस बात को हमने स्टेप थ्री में ऑब्जर्व किया। अब स्टेप फोर में इस चीज को अपने आप में देखने का अभ्यास कर रहे हैं कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मेरे और संवेदना के बीच दूरी है। तो इसको देखते हुए हमें संवेदना और स्पष्ट होती है, संवेदना को देखते हुए शरीर और स्पष्ट होता है कि शरीर क्या है। इसको जितना बारीकी से देखेंगे उतना मेरे और शरीर के बीच की दूरी भी स्पष्ट होती है। तो इसको ओपन रखें, इसको कुछ ही मानने से शुरू नहीं करना है, संवेदना को देखना है, संवेदना को पढ़ना है, और उस क्रम में इसको भी देखना है कि क्या संवेदना मेरा ही कोई भाग है, मैं संवेदना कोई भाग हूँ, मैं ही संवेदना हूँ, या संवेदना मुझसे बाहर है। तो स्थान रूप में मैं वही बना हुआ हूँ जहाँ शरीर बना हुआ है, बट जो संवेदना हो रही है वो शरीर में हो रही है, देखने का काम मैं में हो रहा है। तो बाहर का मतलब यानी कि दूरी का मतलब कि मेरे से बाहर है, यानी मुझ में संवेदना नहीं हो रही, संवेदना तो शरीर में हो रही है और मैं उसको पढ़ता हूँ। और जितना मैं उसको बारीकी से देखता हूँ तो दिखता है कि शरीर में कहीं कोई घटना हो रही है, मैं ध्यान देता हूँ तो घटना पढ़ने में आती है, नहीं ध्यान देता हूँ नहीं पढ़ने में आती। मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूँ, शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, जिस ओर भी ध्यान देता हूँ वहां संवेदना दिखाई देती है, बट ये कोई भी संवेदना मुझ में नहीं हो रही, शरीर में हो रही है, मुझसे बाहर हो रही है, और मैं उसको निर्णय पूर्वक पढ़ रहा हूँ। ये अभ्यास हम लोग कल करते रहे। इसके आधार पर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई शेयरिंग हो, कोई डाउट हो तो यहाँ रख सकते हैं। तो इसको देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मैं संवेदना नहीं हूं, न मैं संवेदना में हूं। ये भी देख सकते हैं कि मेरे और संवेदना की कुछ दूरी है, और संवेदना से दूर होते हुए भी मैं उसको पढ़ पाता हूं, शरीर के विभिन्न भागों में किसी भी जगह होने वाली संवेदना को मैं अपने निर्णय के अनुसार पढ़ता हूँ। तो ये बात इससे धीरे धीरे पुष्ट होने लगती है कि मेरे और संवेदना की कुछ दूरी है, और संवेदना शरीर में है तो मेरे और शरीर के बीच में भी दूरी है। इसको ऑब्जर्व करें, इसको अपने आप में हम एनालाइज करें। मैं संवेदना को देख रहा था, शरीर को देख रहा था, हर एक भाग को, जैसे कुर्सी में बैठ के आराम से एक एक भाग को देख रहा था, तो तभी इचिंग सेंसेशन हुआ शरीर के मेरे बाएं पैर में, तो मैं वो देख पाया इचिंग सेंसेशन।
तो मैं बाकी भागों पे ध्यान छोड़ के वो सेंसेशन पे ध्यान लेके गया, तो मैं देख पाया कि मैं वो एक शरीर में एक जगह पे एक डिस्टेंस पे वो संवेदना हो रही है। मैं जब उस पे ज्यादा ध्यान, मतलब उस पे ध्यान ज्यादा हुआ मेरा, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि वो अंतर, मेरे और उसके बीच में का अंतर कम हो रहा है। तो भैया ये मतलब ये अनुभव है, संवेदना की जगह छोड़ के बाकी की चीजें हम अपने ऑब्जर्वेशन से एक्सक्लूड कर रहे हैं या हो रही है, इसलिए वो डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है ऐसा लगा। पता नहीं ये क्वेश्चन है। जी देखें तो ये दोनों ही संभावना है। तो ये भी हो जी सकता है बिल्कुल कि संवेदना पे आप फोकस हो गए हैं, तो जी कल्पनाशीलता का वही बिंदु बन गया है, उसको आप इस रूप में जी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आप संवेदना के नजदीक हो गए हैं या शरीर उस भाग में आप टिक गए हैं। ये इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, परंतु इसकी संभावना भी, तो अभी उसको देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, या सिर्फ उसको ऐसा मान लिया है, ये तो आपको ही तय करना होगा, बट इसकी संभावना तो है। तो जी हम अपने आप को शरीर किसी एक हिस्से में भी स्थिर कर सकते हैं, पूरे शरीर में भी फैले हुए हो सकते हैं, ये दोनों ही संभावना है। पूरे शरीर में फैले हुए होते हुए शरीर किसी भाग पे हम ठीक से ध्यान दे सकते हैं, है ना, जी तो उस समय ऐसा लग सकता है हमको, ये हम जी उसके ज्यादा नजदीक हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्थान रूप में किसी दूसरे जगह के बारे में मान लीजिए चित्रण कर रहे हैं, जी ठीक है ना, और आप उसको इतना बारीकी से देख रहे हैं कि आपको लग सकता है कि मैं वहीं पहुंच गया हूँ, जी बट आप वहां पहुंचे तो नहीं है, आप तो शरीर के साथ हैं। तो अगर जी ऐसी फीलिंग हो रही है, यानी आपका इंटरप्रिटेशन मात्र है, वैसा हुआ नहीं है, घटित हुआ नहीं, हाँ, जी तो इसको अपने आप में इन दोनों चीजों को आप देख सकते हैं, और एनालिसिस के लिए, कंपेयरिंग के लिए, ये कंपेयर करके भी अपने आप में क्लैरिटी गेन कर सकते हैं। भैया मैं समझ नहीं पाया ये कंपैरिजन, थोड़ा फिर से कंपैरिजन मतलब बता जैसे आप अभी घर में बैठे हुए हैं, है ना, जी। जी हाँ और कॉलेज आपके घर से 10 किलोमीटर दूर हो, और जी आप कॉलेज के किसी एक भाग को लेकर अपने अंदर कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है अपने ऑफिस को लेकर, ठीक, हाँ हाँ तो हो सकता है कि वो ऑफिस की कल्पना इस तरह से चल रही है आपके अंदर कि आपको लगता है कि मैं अपने ऑफिस पहुंच गया हूँ, जी, समझ है ना, गया। हाँ लेकिन हाँ पहुंचे तो है नहीं, आप हैं तो घर में अपने शरीर के साथ। जी तो अगर ऐसा ही परिदृश्य है तब तो कल्पना मात्र है ना, उसको आपने मान लिया कि मैं उस संवेदना के नजदीक पहुंच गया हूँ, परंतु यदि जी ऐसा नहीं है तो ये पॉसिबल तो है कि हम शरीर के किसी एक भाग में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जी हाँ, बट वो थोड़ा सा आगे की स्थिति है, इसलिए मैंने दोनों ही संभावनाएं रखी, कि दोनों ही संभावनाएं हैं, परंतु ज्यादा संभावना पहली वाली है, कि जी हम ऐसा कल्पनाशीलता में चूंकि उसी पे ध्यान दे रहे हैं, तो जी हमें ऐसा लग रहा है कि मैं उस संवेदना के नजदीक हूँ या वहीं पे मैं फोकस हूँ। कितना जी जरूर है कि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं ठीक से, बाकी सारी संवेदनाओं को गौण मानते हुए, और कल्पनाशीलता में जो पहले से कुछ बात चल रही थी उसको भी एक तरफ रखते हुए हम पूरी तरह से उस संवेदना को देख रहे हैं। ये तो एक अच्छा अभ्यास है, इसको हम जी देख सकते हैं, उसको बारीकी से देखेंगे तो अंततः आपको जो उसमें बहुत ही रासायनिक क्रिया हो रही है शरीर के उस भाग में, वो स्पष्ट होगा, अगर जी उसको बिल्कुल बारीकी से आप देख लें, और वही बहुत ही रासायनिक क्रिया पूरे शरीर में दिखाई देगी, जी तो बहुत ही रासायनिक क्रिया क्या होती है ये भी स्पष्ट होगा। अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है किताबों में, बहुत ही रासायनिक क्रिया कुछ होती है, जी ठीक है ना, तो उसका फल परिणाम तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी घटनाओं में, परंतु वो क्रिया अपने आप में क्या है उसको देखा जा सकता है। जी भैया, तो ये बहुत मतलब धन्यवाद भैया कि ये संभावना भी हो सकती है और ये कल्पना भी हो सकती है, तो उसको देखते रहना है। हाँ, उसको अपने आप ही जैसे देख सकते हैं। हाँ मैं कभी कभी वो योग निद्रा करते हैं, तो हम शरीर के एक एक भाग से अपना ध्यान लेके जाते हैं ना, और मतलब ये भी एक्सरसाइज करके देखा कि अलग अलग अंग पे भी हम साथ साथ देख सकते हैं और एक पे भी ध्यान ज्यादा जा सकता है, मतलब तो ये एक्सरसाइज करते रह सकते हैं।
ना, मतलब जी जी कर सकते हैं ना जी जी धन्यवाद इसमें भाई। भी, हाँ करते रह सकते हैं। देखिए इसमें कई बार हम इसको एक कला के रूप में भी ले जाते हैं, बट वो उसकी सीमा अपने को यहाँ तय करनी है कि मुझे जड़ की वास्तविकता को देखना है, तो जी मुझे इसमें कोई बहुत हुनर नहीं हासिल करनी है कि मैं शरीर हाँ को ऐसे करूँ वैसे करूँ, है ना, जी बल्कि इसको बस इतना देखना है कि जड़ है क्या। हाँ मूल मुद्दा तो जड़ को जड़ की तरह, चैतन्य को चैतन्य की तरह देखना है और दोनों के अंतर संबंध को देखना है, जी इस पे हमारा ध्यान बना रहे हैं। जी जी ये तो क्या होता है, कई बार हम जड़ से मिलने वाली सूचना को लेते हुए उसको एक हुनर के रूप में फिर प्रयोग करने लगते हैं, है ना। उसमें बहुत सारे हुनर विकसित भी हो सकते हैं, जी शरीर को प्रभावित करने का, ठीक है ना, बहुत सारे हुनर हो सकता है। तो अभी हमें उसमें नहीं जाना है, हमें तो जड़ को जड़ की तरह समझना है, देखना है, हाँ जिस जो हो रहा है उसे देखना है। बस जी। जी, धन्यवाद भाई। भैया जब मैं शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ रहा हूँ तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, तो मेरे और संवेदना के बीच जो दूरी है उसको मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से। लेकिन जब मैं संवेदना को देख रहा हूँ जो कि मतलब किसी भी पार्ट में हो रही है, और वो अगर थोड़ी तीव्र है तो ऑटोमेटिक वहां पर ध्यान जाता है, और उसको अगर देखते रहते हैं तो दो चीजें, दो संभावना होती है कि या तो मैं वहां पर कुछ करूं ताकि वो संवेदना चली जाए, और या मैं देखता रहूं। तो भैया मैंने देखा है कि देखते देखते भी वो चली जाती है, शरीर मतलब मैं से कोई इंस्ट्रक्शन देने दिए बिना ही उस संवेदना को कंटिन्यूअसली अगर देख रहे हैं तो वो चली जाती। ऐसा ही मैं चैतन्य की बात करूं भैया, तो चैतन्य में भी जैसे जो भी चल रहा है कल्पनाशीलता में, तो अगर मैं उसको देख रहा हूं तो देखते देखते वो भी धीरे धीरे कम होते हुए चली जाती है। एक तो ये चीज दोनों में दिखाई दे रही है भैया, कि अगर देखने का काम पूरी तरह से कर रहे हैं तो दोनों ही धीरे धीरे वहां से कम होते होते हट जाता है। लेकिन इसमें एक चीज आती है भैया कि जब मैं द्वारा शरीर को देख रहा हूँ, जब संवेदना को देख रहा हूँ, तब चैतन्य को नहीं देख पाते हैं, मतलब जो इमेजिनेशन में जो चल रहा है वो दिखाई नहीं देता है, और जब इमेजिनेशन में जो देख चल रहा है उसको देखते हैं तो संवेदना के बारे में पता नहीं चलता है। दोनों में से एक ही काम हो पाता है जनरली, ऐसा मेरे को महसूस होता है भैया। जी, तो दो बातें इसमें, जो पहली आपने बात बताई वो, और दूसरी जो आपने बात बताई। तो पहले वाले में आप देखेंगे संवेदना कहीं चली जाती ऐसा नहीं है, संवेदना में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे आपने शरीर में होने वाली की संवेदना को देखने का अभ्यास किया, उसको देखने गए तो पहले बड़ी स्थूल रूप में दिखाई देगी, है ना, कोई जकड़न है या कुछ ऐसा, फिर वो धीरे धीरे और तीव्र होती है, तो जो बहुत स्थूल दिखाई दे रही थी उसमें अब तीव्रता आती है, फिर उसको और देखते जाइए, एक समय के बाद वो घुल जाता है, शीतल सा हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचा जा सकता है, बहुत इसमें मेहनत की या बहुत योग्यता की जरूरत नहीं है। तो शरीर किसी भाग में आप संवेदना को देखिए तो पहले तो ग्रॉस लेवल पर कुछ दिखाई देगा, फिर उसको आप और ध्यान से देखिए तो बहुत इंटेंस होगा वो संवेदना बढ़ने लगती है। उसमें मैं जो देख रहा हूँ उसका भी रोल है, और शरीर में जब हम किसी विशेष अंग पे ध्यान देते हैं तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन और इन सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, तो संवेदना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और उसको ध्यान से देखते जाइए, एक समय के बाद बिल्कुल वो शीतल हो जाएगा। बीच में तो कभी ऐसा लगेगा कि अंग टूट ना जाए, जैसे आप बैठे हैं और लगे कि पैर जकड़ गया है, खुल नहीं सकता, है ना, काठ का हो गया है। और एक समय के बाद जो आप निर्णय ले लें कि नहीं पैर खोलना नहीं है, उसको बैठे रहना है, देखते रहना है बस, तो एक समय के बाद वो आपको दिखेगा कि एकदम घुल के शीतल हो गया, अब जैसे कोई जकड़न ही नहीं। तो संवेदना चली गई ऐसा नहीं है, संवेदना में परिवर्तन हो गया, ठीक। तो मेरे देखने की बारीकी भी बढ़ गई और शरीर में भी कुछ परिवर्तन हुआ, जो ब्लड सर्कुलेशन इत्यादि था उसमें भी परिवर्तन हुआ। अब ये दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, और इन दोनों को अलग अलग करके देखा भी जा सकता है, मेज में क्या बारीकी आई देखने की और शरीर में क्या घटना हुई। तो संवेदना कहीं जाती नहीं है, बेसिकली संवेदना में परिवर्तन होता है, और संवेदना तो शरीर के साथ जुड़ा ही हुआ है, हर जड़ इकाई में क्रिया हो रही है, वो क्रिया संवेदना के रूप में पढ़ने में आती है। जैसे भैया कहीं इचिंग का सेंसेशन हो रहा है तो कई बार तो हम इचिंग कर देते तो वो संवेदना कम हो जाती है, कई बार हम उसको केवल देखते रहते हैं तो इचिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही कम हो जाती है।
वही, अब जिसको आप इचिंग कह रहे हो ग्रॉस लेवल पे है, ठीक है ना। आप उसको देखिए, स्थूल रूप में उसको हम इचिंग कहते हैं, उसको देखिए तो वहां पर कुछ संकुचन प्रसारण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, थोड़ा बढ़ गया है, ठीक। और ध्यान से देखिए तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा। कई बार ये हो सकता है कि इचिंग बनी रहे, है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन और इंटेंस हो जाए, कई बार होगा कि रिजॉल्व भी हो गया, कम हो गया, जो इंटेंसिटी थी वो काफी कम हो गई, दोनों ही पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं। जैसे वहां की से अगर कीड़े ने काट लिया है, मधुमक्खी ने काट लिया है, और ध्यान दीजिएंगे तो संवेदना धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसने जो उसमें एसिड उसने सिक्रीट कर दिया है, उसका प्रभाव तो रहेगा ही, जब तक भी एसिड है वहां पे वो संवेदना बनी रहेगी। तो दोनों ही संभावनाएं रहती हैं। अभी शरीर में भी देखें तो संकुचन प्रसारण क्रिया हो रही है एक सामान्य गति से, कभी इंटेंस हो जाती है, जिसको हम कई प्रकार से नाम देते हैं, इचिंग भी कह सकते हैं, है ना, पिंचिंग सेंसेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फिर वो धीरे धीरे कम भी हो जाती है। ये तो शरीर में इस तरह घटनाएं घटती ही रहती हैं। मेरे ध्यान देने से उसकी जो गति है उसमें परिवर्तन हो सकता है, बढ़ सकती है, घट सकती है, परंतु सेंसेशन किसी न किसी रूप में तो बना ही रहेगा। ऐसा ही भैया, जब हम चैतन्य में कल्पनाशीलता में देखते हैं, तो अगर हम उसको बारीकी से या पर्टिकुलरली उसी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, उसी को देख रहे हैं अलग से बैठ करके समय निकाल के, तो वहां पर भी ऐसा महसूस होता है भैया कि जो विचार या जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है देखते रहते हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। हाँ, तो वो विचार कम हो गया है ना, उसमें दोनों ही तीनों ही संभावनाएं हो सकती हैं, कि या तो समाधानित हो गए, तो विचार जिस मुद्दे पे चल रहा था वो मुद्दा ड्रॉप हो गया, फिर दूसरा मुद्दा टेकअप किया हमने, या समाधानित नहीं हो पा रहे हैं, हमने निर्णय लिया कि इसको विदा करो भाई, इससे कुछ निकलना नहीं है, तो हमने निर्णय पर उसको ड्रॉप कर दिया। या ये भी हो सकता है कि किसी मुद्दे पे ध्यान दे रहे थे और उसे कोई नया मुद्दा प्रकरण आ गया, उसके कोई नई समस्या ध्यान आ गई, तो पहला मुद्दा चला गया, दूसरा मुद्दा सामने आ गया। तो ये तीनों ही संभावना है। तो क्रिया तो मुझ में हो रही है, विचार मुझ में हो रहा है, आशा मुझ में हो रही है, चित्रण मुझ में हो रहा है, ठीक है ना, उसमें इस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं, या तो समाधानित हो गए, या निर्णय पूर्वक ड्रॉप कर दिया, या एक से निकल के दूसरे पे चले गए, बेहोशी में ही चले गए हम, तो हमने किसी घटना को लेकर चित्रण हमारे अंदर बना, उसको हम देखते रहे अपने आप में, फैल रहा था कल्पना में, अब वो घटना से कोई दूसरी घटना कनेक्ट हो गई, अब वहां पे ध्यान चला गया हमारा। तो ये दोनों ही संभावनाएं, तीनों ही संभावनाएं हो सकती हैं। तो भैया दोनों एक साथ देखना नहीं हो पाते, जैसे संवेदना पे अगर ध्यान है तो चैतन्य में क्या चल रहा है थोड़ा सा वो। जी मैं बता रहा हूँ, उसमें दूसरा जो मुद्दा है वो ये होता है कि एक पॉइंट पे हमारी कल्पनाशीलता कहीं तो फोकस होगी, बट वो इतनी तेजी से मैं अपने फोकस को बदल सकता हूँ, ये योग्यता है मुझ में, तो मैं शरीर प्रति संरक्षण का भाव बनाए हुए हूँ, उसके साथ मैंने निर्णय लिया कि अपने शरीर को सीधा रखना है, फिर मैं कल्पनाशीलता को देखने गया, तब तक शरीर झुकने लगा, फिर मैंने ध्यान दिया, फिर शरीर को सीधा किया। ये तो ठीक है कि कल्पनाशीलता किसी मुद्दे पे किसी क्षण में एक जगह एकाग्र होगी, बट मैं एक साथ बहुत सारे मुद्दों पे ध्यान बनाए रहते हुए क्षण क्षण में शिफ्ट होते हुए उसको ध्यान दे सकता हूँ, ये पॉसिबल है। तो शरीर प्रति संरक्षण का भाव बना हुआ है, ठीक, उसको भी ध्यान दे रहा हूँ, अपने अंदर कोई भाव बना हुआ है उसको भी ध्यान दे रहा हूँ, कुछ और चार मुद्दे और हैं जिसको मैं देख रहा हूँ, उसको क्षण क्षण में बदल बदल के भी देख सकता हूँ, ये भी हो सकता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पे अलग अलग ढंग से ध्यान दे सकता हूँ। तो मेरी योग्यता तो काफी ज्यादा है, यानी मैं की योग्यता काफी ज्यादा है, मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे सकता हूँ, शरीर के ऊपर भी। अब वो कई बार स्ट्रेच हो जाता है, कई बार हम उसको सेकंड सेकंड में बदल के देख लेते हैं, जैसे शरीर को लिटा दिया, अब शरीर तो गिरेगा नहीं नीचे, तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, शरीर संरक्षित है, पता है, अब शरीर खड़ा है और मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो काफी संभावना है कि मेरा पोस्चर बदलने लगे शरीर के बाहर से, तो मैं शरीर को सीधा रखने के लिए अलग से ध्यान देता रहता हूँ। ये तो चीजें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, अपनी दिनचर्या में भी हम कई सारी बातों पर ध्यान बनाए रखते हैं, बट किसी एक क्षण में किसी एक मुद्दे पर ध्यान दे रहे होते हैं, फिर वो क्षण क्षण में इसको हम बदल बदल के देखते रहते हैं। भैया मैं जब देखता हूँ कि जो सेल्फ है या मैं हूँ वो कहाँ है, तो वो लगता तो है कि शरीर में ही है, और ऐसा लगता है भैया कि पूरे शरीर में फैला हुआ है, लेकिन बार बार ध्यान, क्योंकि वो कहीं कहीं शरीर से जो संवेदना आ रही है और मैं तक पहुंच रही है, मैं से जो भी चीज शरीर तक पहुंच रही है उसमें ब्रेन का रोल होता है, तो
ऐसा फील होता है कि ब्रेन के आसपास कुछ ज्यादा है लेकिन पूरे शरीर में फैला हुआ, इस तरह का अनुभव होता है। हाँ, तो पूरे शरीर के पास, पूरे शरीर के दायरे में हम फैले हुए हैं, वो तो ठीक ही बात है। पूरे शरीर को हम जीवंत बनाए रखते हैं, शरीर को संरक्षण दिए हुए रहते हैं, और ब्रेन के पास से हम सूचना का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। तो जहां से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है वो भाग हमको ज्यादा इंटेंस लगता है और उससे प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है। जैसे अगर हम तनाव में हो तो सिर गर्म होने लगेगा, ठीक, खुश हो जाते हैं सामयिक रूप से तो शरीर में एक अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा, बाकी अंगों पर थोड़ा समय लगता है, शरीर में अलग तरह से प्रभाव पड़ेगा। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर भिन्न भिन्न तरह के प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे हार्मोनल सिक्रेशन जिस अंग में होते हैं उसके अनुसार प्रभाव पड़ता है। तो हम पूरे शरीर में फैले तो रहते हैं, ये तो ठीक है, और वेदास के माध्यम से सूचना का दान प्रदान कर रहे होते हैं। एक जी द्वंद और भैया मन में है जो आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब से जैसे UHV मैंने पहली बार नवंबर में किया था कैंप, 13 नवंबर तक खत्म हुआ था, उसके बाद से थोड़ा इसके कंटेंट को लेके समझने को लेके कंटिन्यूस कुछ न कुछ प्रोग्राम बन रहा है। तो फिर मैंने जनवरी 1 वीक में वापस एक बार और UHV AICT द्वारा जो कंडक्ट था वो मैंने किया था। तो उसके बाद भैया लगातार इसी को समझने के भाव ही बन रहे हैं और मोस्ट सबसे ऊपर प्रायोरिटी में यही आ गया। तो फिर मैंने सेकंड वापस नेक्स्ट वीक में वॉलेंटियरिंग किया है, फिर अभी वॉलेंटियरिंग कर रहा हूँ। और जब भी मैं इसको कर रहा हूँ तो कहीं कहीं बहुत सारे जो प्रश्न दूसरों के द्वारा पूछे जाते हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अब दिन भर ये भाव ये प्रायोरिटी में रहता है कि यही करता रहूँ, तो उससे थोड़ा सा अपने पर जो जो इस अभ्यास की बात है उसके लिए समय नहीं मिल पाता है। तो कहीं मैं इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको लेके द्वंद बना रहता है भैया, थोड़ा इसमें भी आप मार्गदर्शन। जी, देखिए इसमें भी थोड़ा सा आप और 2 स्टेप आगे चल के देखिए कि अगर हमारे अंदर बनता भी है कि मैं यही करता रहूं, है ना, जैसे ह्यूमन वैल्यूज को लेकर ही मैं अभ्यास करता रहूं, उस अभ्यास में भी मैं क्या करूंगा, तो मैं स्वयं में कल्पनाशीलता करूंगा, दूसरे साथ व्यवहार करूंगा, है ना, शेष प्रकृति के साथ कार्य करूंगा और कहीं भागीदारी भी करूंगा व्यवस्था में। तो जब मैं इसको 2 स्टेप और आगे बढ़ के देखूंगा तो यही करता रहा, ये भी करता रहा, उसका मतलब यह है कि मैं सही जीऊंगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और कल्पना फैलाएं तो आप पाएंगे कि फिर मैं और फैल कर सही जीऊंगा। तो UHV से ऐसा नहीं होगा कि मैं संबंधों में कट जाऊंगा या मैं कार्य छोड़ दूंगा या शरीर का ध्यान कम रखूंगा, बल्कि मैं उसको और सटीक ढंग से करूंगा। और यदि ये सब करते हुए ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बीच में कुछ समय निकाल कर अलग से ध्यान भी दे लूंगा, फिर उसको पूरा करूंगा और ये चलता रहेगा। तो जब भी कभी ऐसा लगे उसको लिख लीजिए कि मैं यही करता रहा, मतलब क्या करता रहा, तो क्या मैं संबंध का निर्वाह करूं ना करूं, शरीर का ध्यान रखूं ना रखूं, सुविधा का उपार्जन करूं या ना करूं, व्यवस्था में भागीदारी करूं या ना करूं, इन सब चीजों को हम वर्कआउट करेंगे। देखिए करूं और है ना बेहतर ढंग से करूं, समझ कर करूं। तो हम लोग इसको आज और ऑब्जर्व करें, अपने आप में संवेदना को ऑब्जर्व करें और फिर उससे हम आगे और चीजों को ध्यान से देखेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।